पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो हमें खूब प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही एक सेकंड के अंदर जो है हमारे 1500 सेल जो है वो वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये एक तारण निकाला है, मतलब एक संशोधन किया है। तो और हम बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो एक ही सेकंड में 1600 सेल डैमेज हो जाते हैं। तो आपको ये तय करना है कि मैं किसके संपर्क में हूँ। तो हम मेडिटेशन में बेहद के बाप के संपर्क में हैं, फाइनल अथॉरिटी के संपर्क में, परम लाइट परम प्रकाश को हर पल हम ले रहे हैं, है ना। तो आप सोच के देखिए कि आपका मन बुद्धि संस्कार कितनी जल्दी बदलेगा, आपका आत्मा का बल कितनी जल्दी बढ़ेगा, है ना। अध्यात्म का बल आपके अंदर कितनी जल्दी बढ़ेगा, आपकी जो संकल्प शक्ति है उसके अंदर कितनी पावर आएगी, है ना। और नेगेटिव विचार, आपका तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, ये 100% कह रहा हूँ। हर पल आप पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बन जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, चाहे वो कैसा भी आए सिचुएशन आपके सामने। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी आत्मबल को बढ़ाने के लिए, मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करने के लिए। देखिए हमारे अंदर जो प्राणमय शरीर है, तो वो प्राण ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपके हर चक्रों के अंदर जो बताते हैं उसके अंदर भी ये एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये चार्ज होना शुरू होगा हर पल। जो हमारे अंदर आकाश तत्व का शरीर है, वायु तत्व का, मान लीजिए किसी के अंदर वायु से रिलेटेड, वायु तत्व से रिलेटेड कोई रोग हो रहा है, किसको गैस हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो हम अपने मेडिटेशन में जाके हम संकल्प करेंगे कि मेरे वायु तत्व का शरीर एकदम शांत हो रहा है, मेरे आकाश तत्व का शरीर शांत हो रहा है, मेरे अग्नि तत्व का शरीर एकदम शांत हो रहा है, जिसको एसिडिटी हो रही है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है हम अपने मन को, मन के ऊपर की ये जो नेगेटिविटी है उसको हम रिड्यूस करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, हर पल हम उसके अंदर एक नई एनर्जी को इनफ्लो करते हैं, है ना। क्योंकि हर विचार एक एनर्जी पैदा करता है, जो शब्द हम सोचते हैं माइंड में, है ना, तो वो जो है वो शब्द जो एनर्जी वो पैदा करना शुरू करता है, आपकी आत्मा का बल उसमें से जाता है उस विचार में और एनर्जी को बनाता है। तो वो एनर्जी जो है वो आपके अंदर अच्छी और बुरी ऊर्जा पैदा करता है। तो हम मन में हमें क्या सोचना है वो भी बहुत सोच के सोचना चाहिए, क्योंकि हर पल हम क्या कर रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो